तंत्र बहुत बड़ा कार्य करता है और जहाँ तंत्र ही कार्य कर सकता है, दूसरी कोई विद्या काम नहीं करेगी। समझाने से बात नहीं बनेगी, बुझाने से बात नहीं बनेगी, ये बात मन से ही निकल जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो दोनों लोग भोग रहे हैं, दोनों लोग क्षमा करने को तैयार हैं, दोनों लोग पूरे परिवार का सुख चाहते हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसी स्थिति में कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जैसे ऐसा हो गया तो जहाँ पे अवदेशन तंत्र काम करेगा, जैसे हम स्तंभ तंत्र तक चर्चा कर चुके हैं, तो अगली चर्चा ही अवदेशन तंत्र के ऊपर होगी। पर बात फिर वही है कि हम अवदेशन तंत्र में कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए, हम नहीं कह पाएंगे आपको। क्योंकि अवदेशन का मीनिंग होता है कि अवदेशन हो जाना, अलग हो जाना, दो शक्तियों को, दो व्यक्तियों को अलग कर देना। तो इसका प्रयोग जहाँ जे प्रयोग बिल्कुल सही है, करना चाहिए। पर कहीं कहीं हमारे बताने से कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं बता ना पाऊंगा, क्षमा चाहूँगा। जहाँ पे विदेशन तंत्र, वशीकरण तंत्र और आकर्षण तंत्र, तीनों की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। और तीनों की हेल्प के लिए कुछ चीज़ें दोस्तों आपको करनी पड़ेंगी। जैसे वो शख्स जिनकी पत्नी ऐसी स्थिति में है, वो बहन, वो बेटी जिसका पति ऐसी स्थिति में है, उनको बिना कहे, बिना उनको कुछ बताए, प्यार से उनके साथ कोई आलोचना की बात नहीं करना, मन से प्यार करना, कहना कि भटक गया व्यक्ति, गलत रास्ते पे चला गया, आ जाएगा। क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं, अच्छे लोग होंगे, अच्छी स्थिति होगी और जरूर 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 वापस आ सकते हैं। तो तीनों ही प्रयोग करने पड़ेंगे, वशीकरण, आकर्षण और विदेशन। जब सब अच्छी स्थिति आ जाए तो आपको फिर भी लगता हो डर कि कहीं दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए, फिर हमें स्तंभन का सहारा लेना होगा। बस माँ कृपा करे आपकी समस्या का समाधान हो।